हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज में। वंस अगेन आपके बीच में आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS। ओके, साइबर सिक्योरिटी का ये भी अभी जो हम डेटा सिक्योरिटी जो टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं पूरा, उसके अंतर्गत आने वाला ये एक उसका पार्ट है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, तो आज हम बात करने वाले इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की, तो देखते रहिए पूरे वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में। पहले हम देखते हैं कि इंट्रूजन होता क्या है। इंट्रूजन को समझने के पहले मैं आपको बताता हूं इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होते हैं? एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड इंट्रूजन। ओके, आपके नेटवर्क में, आपके सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है उसको हम बोलते हैं इंट्रूजन। अगर हम इसको साधारण भाषा में, जनरल लैंग्वेज में बोले तो आपकी प्रॉपर्टी पर अगर कोई पर्सन अतिक्रमण कर लेता है या उसको अनऑथराइज रूप से एक्सेस करने की कोशिश करता है, उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? इंट्रूजन, या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर हिंदी में कहें तो अतिक्रमण करना, विच मीन्स इंट्रूजन। ओके, एनी अनऑथराइज एक्सेस इज कॉल्ड इंट्रूजन। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रूजन। ओके, ये बात हो गई इंट्रूजन की। अब हम बात करते हैं इंट्रूडर कौन होते हैं। इंट्रूडर जस्ट अ पर्सन who try to gain an unauthorized access। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि हमेशा unauthorized access को गेन करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। जैसे कि बहुत सी जगह पर हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर, सरकारी संपत्ति पर अनऑथराइज रूप से उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या फिर उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। वैसे ही जो इंट्रूडर जो होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे नेटवर्क या हमारे सिस्टम में से हमारे डेटा पैकेट्स को या इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज होते हुए भी एक्सेस करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि इंट्रूडर्स आखिर होते कौन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंट्रूडर्स। ओके, तो इनके दो टाइप्स होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रूडर्स। वन इज मैस्क्यूरेडर एंड अनदर वन इज मिसफीजर। ओके, मैस्क्यूरेडर जो होते हैं इनको हम आउटसाइड इंट्रूडर्स भी कहते हैं, और जो मिसफीजर होते हैं उन्हें हम इनसाइड इंट्रूडर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मैस्क्यूरेडर और मिसफीजर कौन होते हैं। मैस्क्यूरेडर, यूजर विथ नो अथॉरिटी To use the network or system। ऐसे यूजर जिनको नेटवर्क और सिस्टम को यूज करने की अथॉरिटी नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैस्क्यूरेटर या फिर आउटसाइड इंट्रूडर। ये आपके नेटवर्क या आपके सिस्टम या आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पर्सन होते हैं, बाहर के व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये आपके डेटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते रहते हैं। सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज हमारा कॉलेज की हमने बात कर ली, हमारा कॉलेज है, उस कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे सिस्टम कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमारा एक कॉलेज का पूरा नेटवर्क हो गया। अब अगर हमारे कॉलेज के नेटवर्क के बाहर का कोई पर्सन जिसके पास में कॉलेज के इंफॉर्मेशन या कॉलेज के नेटवर्क या कॉलेज के सिस्टम को एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद भी वो अनऑथराइज रूप से उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, These are called masquerader। Okay? अब इसके बाद में एक और पॉइंट हम इसका देखते हैं, इनका काम क्या होता है? They penetrates the security system as a legitimate user। और ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं या फिर हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको ब्रेक करके, उसका अनऑथराइज रूप से एक्सेस करके इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैस्क्यूरेटर्स बोलते हैं। मैस्क्यूरेटर्स जो भी होते हैं ये सब कौन होते हैं? ये बाहर के लोग होते हैं, नेटवर्क के बाहर के लोग। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं मिसफीजर की। अब मिसफीजर कौन होते हैं? मिसफीजर अगर इनको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, अभी आप लोगों ने रामायण देखी होगी, रामायण में आप लोगों ने देखा था जो विभीषण का रोल था वो क्या करता था कि रावण की टीम में होते हुए भी उनने जो रावण की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो भगवान श्री राम को उनने प्रोवाइड करवा दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि रावण की जो टीम थी उनकी हार हुई थी। मतलब कि वो घर के अंदर रहते हुए भी, इंटरनल नेटवर्क में होते हुए भी उसके डेटा को का दुरुपयोग करने की कोशिश
करते हैं। अब हम यहां पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूजर विथ परमिशन टू एक्सेस लिमिटेड एप्लीकेशंस, ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको कुछ एप्लीकेशंस को यूज करने की परमिशन होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिसयूजर्स बोलते हैं, जो कि इनसाइड होते हैं। ये लोग नेटवर्क के अंदर के होते हैं, मतलब कि कॉलेज का ही कोई बंदा है जो कॉलेज के नेटवर्क को कि कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है, उसे कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेस करने की परमिशन होती है और वो नेटवर्क के अंदर का ही पर्सन होता है। ऐसे जो इंट्रूडर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिसयूजर या फिर इनसाइड इंट्रूडर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हम देखते हैं, इट्स अ लेजिमिटेड यूजर मिसयूज प्रिविलेजेस, और ये ऐसे यूजर होते हैं जो कि जितने भी प्रिविलेजेस होते हैं उनका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा होता है और उसको कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस को ही यूज करने की परमिशन होती है, उसके बाद भी वो क्या करता है कि कुछ डेटा होता है उसको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू अपने किसी फ्रेंड को या अपने अकाउंट पर उस इंफॉर्मेशन को सेंड करने की कोशिश करता है। तो ऐसे जो यूजर होते हैं या फिर ऐसे पर्सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिसयूजर बोलते हैं, कि अपने ही नेटवर्क के अंदर की इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं, या हम हिंदी में कहें तो भीतरघात करने की कोशिश करते हैं, ऐसे यूजर्स को हम क्या बोलते हैं, मिसयूजर बोलते हैं। ओके, सो हमने डिस्कस किया अभी इंट्रूडर कौन होते हैं। इंट्रूडर ऐसे पर्सन होते हैं जो कि डेटा को अनऑथराइज्ड रूप से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रूडर, मैस्क्यूरेडर, मिसयूजर, इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, व्हाट इज एक्चुअली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS एक्चुअल में क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, हमने बात कर ली कि इंट्रूडर्स कौन होते हैं, अब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS इज अ सिस्टम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्राफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी एंड इश्यू अलर्ट्स व्हेन सच एक्टिविटी डिस्कवर्ड। ओके, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसका काम क्या होता है कि ये आपके सिस्टम और आपके नेटवर्क के ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करता है, आपके नेटवर्क के ट्रैफिक का मॉनिटरिंग करता है, और जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर कोई ऐसा इशू उसके सामने आता है जिससे आपके नेटवर्क को कोई अनऑथराइज्ड रूप से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके अलर्ट जो होता है वो एडमिन को अलर्ट प्रोवाइड करवा देता है, एडमिन को मैसेज सेंड कर देता है कि इस तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वहां पर फाइंड हुई है। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि नेटवर्क ट्राफिक क्या होता है। ओके, तो नेटवर्क ट्राफिक, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं बताता हूँ नेटवर्क ट्राफिक क्या होता है। सपोज मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया था कि आपके कॉलेज का एक नेटवर्क है जिसमें सब कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कनेक्टेड है। ओके, तो जब उस नेटवर्क में सारे सिस्टम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कनेक्टेड हैं, तो जो डेटा पैकेट्स होते हैं उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन या उस कॉलेज के नेटवर्क में जितना भी डेटा पैकेट से इंफॉर्मेशन होती है वो आपस में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रेवल करती रहती है। जितने भी डेटा पैकेट्स होते हैं वो उस नेटवर्क में क्या कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, आना जाना कर रहे होते हैं। ओके, तो जब भी उस नेटवर्क में कोई डेटा पैकेट्स एंटर करता है, डेटा पैकेट बाहर की तरफ आता है, तो उसके ट्रेवल को या उसके आने जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ट्राफिक। ओके, तो नेटवर्क ट्राफिक में अगर इस नेटवर्क में बाहर से कोई ऐसा पर्सन ने एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी उस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को पता चलती है, तो वो सीधे एडमिन को अलर्ट करता है और एडमिन को मैसेज प्रोवाइड करवाता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कोई बाहर का पर्सन है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो बात हो गई व्हाट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है ये कितने तरह के होते हैं, ये भी चार तरह के होते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वी आर गोइंग टू
अंडरस्टैंड। ओके, अब हम बात करते हैं चार तरह के कौन कौन से इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं। पहला तो होता है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी कि NIDS, एंड होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम HIDS, सिग्नेचर बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड एनोमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के जो अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये क्या होता है? इट कैन मॉनिटर इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। ये नेटवर्क के अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक जो होता है उसका क्या करता है, उसको ध्यान रखता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। NIDS is deployed at a strategic point or points within the network where it can monitor inbound and outbound traffic to and from all devices on the network. अब यहां पर हम बात करते हैं inbound और outbound traffic की क्या चीज होती है। मैंने आपको network traffic तो पहले बता दिया था, अब inbound traffic इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, जब भी मोबाइल फोन में कोई कॉल आपके पास से दूसरे पर्सन के पास से आपके पास कोई कॉल आ रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग। और जब भी आप किसी पर्सन को कॉल करते हो या मैसेज सेंड करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आउटगोइंग। एज इट इज वही चीज यहां पर आ रही है। अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई बाहर से डेटा पैकेट्स अगर उसमें आने की कोशिश कर रहा है या कोई बाहर से कोई डेटा पैकेट्स आपके नेटवर्क के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो जो आपका नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है वो उसकी प्रॉपरली मॉनिटरिंग करता है, उसको देखता है कि ये डेटा मैलिशियस तो नहीं है या फिर इस डेटा में किसी टाइप का ऐसा आइटम तो नहीं है जिससे कि हमारे नेटवर्क या सिस्टम को कोई हार्म पहुंच सके। एंड दूसरा वर्ड यहां पर आउटबाउंड ट्रैफिक, मतलब कि आपके नेटवर्क से बाहर की तरफ जाने वाले सारे डेटा पैकेट्स, सारी इंफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग करता है। ओके, तो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इसका काम क्या होता है कि आपके नेटवर्क में इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक उसकी मॉनिटरिंग करना। ओके, नेक्स्ट चीज आपकी आती है होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब हम देखते हैं कि होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है। अब ये जो इसका काम क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर की डिवाइसेस पर प्रॉपरली रन होता है आपके नेटवर्क में, और जो कि जिसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है आपके इंटरनेट से और आपकी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके नेटवर्क से भी होता है। और इसका जो एडवांटेज होता है वो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से अलग इसका एडवांटेज क्या होता है? इट इज एबल टू डिटेक्ट एनोमलस नेटवर्क पैकेट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये तो केवल आपके आउटबाउंड और इनबाउंड ट्रैफिक का मॉनिटरिंग करता है, लेकिन इसकी एक एडवांटेज है, ये क्या करता है कि इट एबल टू डिटेक्ट एनोमलस नेटवर्क पैकेट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से मैलिशियस कंटेंट है, ऐसा कौन कौन से डेटा पैकेट्स हैं जो कि आपके सिस्टम को या आपके नेटवर्क को डैमेज कर सकते हैं या हार्म कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेक्शन करना या उनकी मॉनिटरिंग करना ये किसका काम होता है? होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट हम देखते हैं सिग्नेचर बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सिग्नेचर बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इसका काम क्या होता है? इट मॉनिटर ऑल द पैकेट्स ट्रैवर्सिंग फ्रॉम द नेटवर्क एंड कंपेयर देम अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ सिग्नेचर और एट्रीब्यूट्स। मतलब कि पहले से हमारे नेटवर्क में जो भी डेटा पैकेट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है उन सब से क्या करता है? बाहर से आने वाले डेटा पैकेट्स को या इंफॉर्मेशन को कंपेयर करता है कि पहले से उसके पास में कोई मैलिशियस डेटा है या फिर पहले उसने ऐसे कोई हार्मफुल डेटा को डिटेक्ट किया था, तो उससे इसको कंपेयर करता है कि क्या ये पहले जो मैं डिटेक्ट कर चुका हूँ वैसे डेटा से मिलता जुलता कोई हार्मफुल आइटम तो नहीं है। उन सब उससे कंपेयर करके ये क्या करता है? ऐसे हार्मफुल आइटम को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, आफ्टर दैट एनोमल
एनोमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एनोमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसका क्या क्या होता है, इट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड कंपेयर इट अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड बेसलाइन टू डिटरमाइन व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द नेटवर्क विथ रिस्पेक्ट टू बैंडविड्थ प्रोटोकॉल पोर्ट एंड अदर डिवाइसेस. अब इसका क्या क्या होता है, इट कंपेयर डेटाबेस अगेन एंड एस्टैब्लिश बेसलाइन, मतलब कि आपके नेटवर्क का क्या प्रोटोकॉल है, ओके आपके नेटवर्क का प्रोटोकॉल क्या है, आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ क्या है, तो आपके नेटवर्क के प्रोटोकॉल से क्या जो एक्सटर्नल डेटा पैकेट्स आ रहा है वो क्या आपके बैंडविड्थ या आपकी प्रोटोकॉल उससे मैच कर रहा होता है. तो इन सारी जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करके एनोमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है कि इस तरह की गतिविधि को डिटेक्ट करते सीधे एडमिन को मैसेज करता है ताकि वो एडमिन उस पर कोई भी एक्टिविटी कर सके. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे चार टॉपिक्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में हमने बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोगों ने बात की. आई होप आप लोगों को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको. ओके तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां मैं आपके लिए एक बढ़िया दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा. थैंक यू.